मेरी निंदा करो, इसका कोई मतलब नहीं। इतिहास मुझे हर अपराध से आजाद कर देगा। क्रांति कोई गुलाबों का बिस्तर नहीं होती, यह भूत और भविष्य के बीच का संघर्ष है। मैं साम्यवादी विचारों से सहमत नहीं हूँ। हम लोकतंत्र है, हम सभी प्रकार के तानाशाहों के खिलाफ है। वो जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 638 बार मौत को चकमा दिया, जिन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में क्यूबा के अंदर क्रांति स्थापित की। जब वो अपनी राजधानी हवाना में विक्टरी स्पीच दे रहे थे, तभी एक परिंदा आकर इनके कांधे पर बैठ गया। भाषण सुनने वाली जनता की नज़र में ये कुदरत का एक इशारा था कि ऊपर वाले ने इस आदमी को हमारी क़यादत या लीडरशिप के लिए चुन लिया है। फिर ये आदमी जब तक जिंदा रहा, क्यूबा की जनता का हीरो बन के रहा, और मरने के बाद आज भी ये क्यूबा का हीरो ही है। उस हीरो का नाम है फिदेल कास्त्रो। ये 1940 की बात है, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को क्यूबा से अंग्रेजी में लिखा हुआ एक खत मिलता है। खत लिखने वाले ने रूजवेल्ट को तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने की मुबारकबाद दी थी और एक अनोखी फरमाइश भी कर दी थी। दरअसल उसने लिखा था कि मुझे $10 का एक नोट भेज दीजिए, क्योंकि मैंने ये नोट कभी भी नहीं देखा। फिर व्हाइट हाउस ने क्यूबा के खत लिखने वाले लड़के को पलटकर शुक्रिया का खत तो भेजा, मगर $10 का नोट नहीं भेजा। खत लिखने वाले 16 साल लड़के का नाम था फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो पूर्वी क्यूबा के बहुत बड़े जागीरदार का बेटा था। इसके बाप के पास 25,000 एकड़ जमीन थी, जिस पर वो गन्ने की फसल उगाता था। कास्त्रो अपने वतन बीरान से 800 किलोमीटर दूर क्यूबा की राजधानी हवाना में पढ़ाई लिखाई करने आया था, मगर पढ़ाई से ज्यादा इसे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी, जिसकी वजह थी यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना। यहाँ फिदेल कास्त्रो ने कानून या लॉ पढ़ने के लिए दाखिला लिया था, मगर हालात और वाकयात उसे सियासत का सबक पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बहुत से स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गढ़ थी और स्टूडेंट्स के बीच में गर्मा गर्म सियासी डिबेट्स मामूली सी बात थी। इन्हीं मुठभेड़ों के दौरान यूनिवर्सिटी में चाकू और बंदूक भी निकल आती थी। कास्त्रो भी इस यूनिवर्सिटी की सियासत का हिस्सा बन गया। वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग में जाता और स्पीच भी देता। वो भाषण करने में बहुत जबरदस्त था, लोग उसके भाषण सुनना पसंद करते थे। 1947 में फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा की ऑर्थोडॉक्स पार्टी ज्वाइन कर ली। ये पार्टी क्यूबा में ईमानदार सरकार लाने और गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के नारे पर चल रही थी। फिर अगले साल 1948 में कास्त्रो ने एक अजीब मंजर देखा। दरअसल हुआ यूं कि कास्त्रो एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के लिए कोलंबिया गया हुआ था। इसी दौरान कोलंबिया में एक मजदूर लीडर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल के खिलाफ कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में दंगे फसाद शुरू हो गए। लोगों ने सरकारी इमारतों पर हमले किए और गाड़ियों को आग लगा दी। इन्हीं जलते हुए मंजर ने कास्त्रो को एहसास दिलाया कि जनता अगर चाहे तो वो बदलाव लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिर कोलंबिया से जनता की ताकत का ये सबक सीखकर फिदेल कास्त्रो अपने वतन क्यूबा लौट आया। 4 साल बाद 1952 में कास्त्रो भी पार्लियामेंट की बैठक के लिए उम्मीदवार बन गया, लेकिन ये इलेक्शन हुए ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन से सिर्फ 3 महीनों पहले क्यूबा के पिछले प्रेसिडेंट बतिस्ता ने अपनी फौज की मदद से क्यूबा की गद्दी पर कब्जा कर लिया। फिर उसने सियासी पार्टियों पर बैन लगा दिया, अपने विरोधियों को जेलों में डाल दिया और अपने ऊपर टिप्पणी करने वाले अखबारात बंद करवा दिए। ये वो वक्त था जब फिदेल कास्त्रो वकालत की डिग्री ले चुका था और हवाना में प्रैक्टिस कर रहा था। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की ही एक दोस्त मिर्ता डियाज बालार्ट से शादी भी कर ली थी, जिससे उसे एक बेटा भी हुआ। लेकिन जब क्यूबा में बतिस्ता की सरकार आई तो फिदेल कास्त्रो ने अपनी सुकून भरी जिंदगी छोड़कर हथियार उठा लिए और फिर एक लड़ाई हुई। 26 जुलाई 1953 की सुबह 26 कारों का एक काफिला क्यूबा के शहर सांटियागो की मोनकाडा फौजी बैरिक्स की तरफ बढ़ा। इन गाड़ियों में फिदेल कास्त्रो और उसके 160 साथी सवार थे। कास्त्रो का प्लान ये था कि पहले फौजी बैरिक्स के पास हथियार और असलेहा का गोदाम लूटेंगे,
फिर बैरक्स पर कब्जा करके रेडियो की मदद से क्रांति का ऐलान किया जाएगा। मगर फिदेल कास्त्रो का ये प्लान चौपट हो गया। कास्त्रो को हथियारों का गोदाम तो नहीं मिला, लेकिन बैरिक्स के अंदर मौजूद फौजियों ने उल्टा कास्त्रो के काफिले पर ही फायर शुरू कर दिया। कास्त्रो के 8 साथी वहीं ढेर हो गए। वो अपने बाकी साथियों के साथ पहाड़ों की तरफ भाग निकला, मगर 5 दिनों बाद पकड़ लिया गया। कास्त्रो पर क्यूबा से गद्दारी का मुकदमा चला और 15 साल की सजा सुनाई गई। फिर कास्त्रो को क्यूबा के दूसरे बड़े टापू पर मौजूद एक जेल में बंद कर दिया गया। इसके भाई राउल कास्त्रो को भी वहीं पर डाल दिया गया। इस जेल का नाम प्रेसिडियो मॉडेलो था। इस जेल की जिंदगी फिदेल कास्त्रो के लिए वरदान साबित हुई। उसने जेल में किताबें पढ़ना शुरू की और अपने भाषण और क्रांतिकारी विचार लिखकर जेल से बाहर स्मगल करना शुरू कर दिए। कास्त्रो के सपोर्टर्स ने इन कागजात की कॉपियां क्यूबा के कोने कोने में फैला दी। कास्त्रो की जेल से रिहाई का कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर अचानक ही कास्त्रो को जेल से रिहा कर दिया गया। दरअसल हुआ ये कि नवंबर 1954 में बतिस्ता ने फेक इलेक्शन करवा कर अपनी ही जीत का ऐलान करवा दिया। इस बनावटी जीत की खुशी में बतिस्ता ने फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो समेत सारे सियासी कैदी रिहा करवा दिए। 15 मई 1955 को कास्त्रो जेल से रिहा हो गए, मगर वो अपनी इस रिहाई पर खुश नहीं थे। उन्हें मालूम था कि उनकी चहेती बीवी मिर्ता उनकी कैद के दौरान क्यूबा की सरकार के लिए ही काम कर रही थी। ये बात कास्त्रो के लिए बड़ा जज्बाती झटका था। सो कास्त्रो ने अपनी बेवफा बीवी, जिससे इसने लव मैरिज की थी, उसे तलाक दे दी। ये सब करने के बाद कास्त्रो अपने भाई राहुल के साथ मेक्सिको के रास्ते चल पड़े। कास्त्रो ने मेक्सिको सिटी में डेरे डाल लिए। उन्होंने अपनी पहली बगावत के दौरान मारे गए साथियों की याद में इस तहरीक या मूवमेंट को 26 जुलाई मूवमेंट का नाम दिया। अब कास्त्रो मेक्सिको में रहने वाले क्यूबन शहरियों को एकजुट करके क्रांति लाने के लिए तैयार करने लगे थे, लेकिन इस बात पर मेक्सिको के इमिग्रेशन मैनेजर ने फिदेल कास्त्रो को जेल में डाल दिया। वहां पर कास्त्रो की मदद करने के इल्जाम में एक और बड़े क्रांतिकारी चे ग्युवेरा भी कैद हुए और दोनों को एक ही सेल में रखा गया। चे ग्युवेरा और कास्त्रो की मुलाकात भी मेक्सिको में ही हुई थी। दोनों जल्द ही गहरे दोस्त बन गए और चे ग्युवेरा भी क्यूबा की क्रांति की जिद्दोजहद में शामिल हो गए। अब फिदेल कास्त्रो का साथी होने की वजह से चे ग्युवेरा को भी जेल की हवा खानी पड़ रही थी, मगर फिर इन दोनों क्रांतिकारियों को जल्द ही जेल से रिहा कर दिया गया। ये चे ग्युवेरा के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करें और जाने कि चे ग्युवेरा कितने बड़े क्रांतिकारी थे। खैर, जब कास्त्रो जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अपनी जिद्दोजहद और तेज कर दी। उन्होंने गोरिल्ला जंग के तरीकों पर किताबें पढ़ी और अपने दूसरे साथियों को इसकी ट्रेनिंग दी। मेक्सिको और अमेरिका में रहने वाले मालदार क्यूबन शहरियों ने भी कास्त्रो को दिल खोलकर पैसा दिया। अब कास्त्रो की तैयारियां पूरी हो गई थी और क्रांति के लम्हे नजदीक आ रहे थे। 25 नवंबर 1956 की रात एक कश्ती याच मेक्सिको से क्यूबा के लिए रवाना हुई। ग्रैनमा नामी इस यार्ड में सिर्फ 8 से 12 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, मगर उस वक्त इसमें 82 लोग सवार थे, जिन लोगों में फिदेल कास्त्रो, राउल कास्त्रो और चे ग्युवेरा भी शामिल थे। ये याच, जो आज हवाना के एक म्यूजियम में सिक्योर करके रखी गई है, वो उस वक्त समंदरी तूफानों का मुकाबला करते हुए 2 दिसंबर को क्यूबा में अपनी मंजिल तक पहुंची, मगर किनारे के कम पानी और कीचड़ में फंस गई। फिर कास्त्रो और उनके साथी कश्ती से कूदकर पानी और कीचड़ में चलते हुए तट पर पहुंचे, मगर उन पर क्यूबा के प्रेसिडेंट बतिस्ता के फौजियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। 70 के करीब क्रांतिकारी तो वहीं पर ढेर हो गए। कुछ पकड़े गए तो कुछ भाग निकले। जो पकड़े गए उनमें से कुछ को तो फायरिंग स्पॉट के जरिए सजाए मौत दे दी गई। फिदेल कास्त्रो, राउल कास्त्रो, चे ग्युवेरा और उनके 9 साथी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पहाड़ों की तरफ भागे और सेरा मिस्ट्रा के इलाके में पनाह ले ली। जंगलों से घिरे इस पहाड़ी इलाके में कास्त्रो को तलाश करना आसान नहीं था। यहाँ कास्त्रो ने अपना फौजी अड्डा बना लिया और मकामी आबादी की मदद से एक गोरिल्ला फौज भी तैयार कर ली। शुरू में इसके साथ सिर्फ चंद 100 लोग ही थे, लेकिन फिर ये तादाद बढ़ती चली गई। अब जब कभी भी बतिस्ता की फौज कास्त्रो को तलाश करने के लिए इन जंगलों में दाखिल होती
तो कास्त्रो की गोरिल्ला फौज उन्हें पीछे धकेल देती। ये आंख मिचौली तकरीबन 1.5 बरस तक जारी रही। इस लड़ाई से क्यूबन प्रेसिडेंट बतिस्ता बहुत परेशान हो चुका था। वो खुद नक्शों का जायजा लेकर फौज को हमले करने का ऑर्डर जारी करता था, मगर उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही थी। जून 1958 में बतिस्ता की फौज ने सेरामिस्टा पर एक आखिरी हमला किया, जिसे ऑपरेशन वेरानो का नाम दिया गया था। लेकिन अगस्त के महीने तक बतिस्ता की फौज को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ गया। अब फिदेल कास्त्रो ने सरकार पर यानी बतिस्ता की फौज पर जवाबी हमले करना शुरू कर दिए। 27 दिसंबर 1958 के रोज कास्त्रो को उस वक्त लड़ाई में जोरदार जीत मिली जब चे ग्युवेरा की कमांडरी में क्रांतिकारियों ने सांता क्लारा शहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर फिदेल कास्त्रो ने अपने दोस्त चे ग्युवेरा को धोखा दिया था। कैसे, तो ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करें। इस वाक्य के कुछ दिन बाद 1 जनवरी 1959 को क्यूबा के प्रेसिडेंट बतिस्ता क्यूबा से ही फरार हो गए और राजधानी हवाना पर कास्त्रो के सपोर्टर्स का कब्जा हो गया। 9 जनवरी 1959 को फिदेल कास्त्रो जब हवाना में दाखिल हुआ तो शहर की गलियां और सड़कें उसके स्वागत में खचाखच भरी हुई थी। फिदेल कास्त्रो जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और फिदेल कास्त्रो हर जगह छा चुके थे। खैर, क्यूबा में क्रांति तो अब कामयाब हो चुकी थी, लेकिन ये छोटा सा देश क्यूबा अब दो बड़ी ताकतों के बीच जंग का मैदान बनने जा रहा था। ये दो ताकतें थी अमेरिका और सोवियत रूस। फिदेल कास्त्रो का झुकाव बेशक सोवियत रूस की तरफ था। कास्त्रो ने क्यूबा में अमेरिकी कंपनियों के कारोबार जनता की मिल्कियत में जब्त कर लिए और 1960 में सोवियत रूस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया। अब अमेरिका फिदेल कास्त्रो को अपने लिए खतरा समझ रहा था, इसलिए अमेरिकी CIA ने कास्त्रो को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इस प्लान के तहत अमेरिका में रहने वाले 1,500 क्यूबन शहरियों को ट्रेनिंग और हथियार देकर क्यूबा पर हमला कर दिया गया। ये सारे हमलावर अमेरिकन नेवी की मदद से क्यूबा में दो मुकामात जिन्हें बे ऑफ पिग्स कहा जाता है, वहां पर हमलावर हुए थे। लेकिन सामने फिदेल कास्त्रो की फौज पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाने की वजह से मुकाबले के लिए तैयार खड़ी थी। उन्होंने अमेरिकी क्यूबन हमलावरों को घेर लिया। कास्त्रो खुद लड़ाई की जगह पर पहुंच गया और जंग की निगरानी करता रहा। फिर हमला करने वाले जल्द ही हथियार डालने पर मजबूर हो गए। क्यूबा की फोर्सेस ने तो हमलावरों की मदद के लिए आने वाले कई अमेरिकी फाइटर प्लेन्स भी मार गिराए। CIA का ये नाकाम ऑपरेशन अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस के लिए एक बड़ा झटका था। इस नाकामी की वजह से अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इसी वाकये के बाद कास्त्रो अमेरिका की और भी खिलाफ हो गए और उन्होंने खुलकर अपने कम्युनिस्ट होने का ऐलान कर दिया। 2 दिसंबर 1961 को अपने टेलीविजन भाषण में कास्त्रो ने कहा, मैं मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट हूँ और आखिरी सांस तक यही रहूंगा। लेकिन कास्त्रो ने सिर्फ यही ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोवियत रूस से एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जिसने अमेरिका में तहलका मचा दिया। 1962 में क्यूबा ने एक एग्रीमेंट के तहत सोवियत रूस को अपने क्यूबा में मिसाइल्स के अड्डे बनाने की परवानगी दे दी। इस एग्रीमेंट के जवाब में अमेरिकन नेवी ने क्यूबा को घेरे में लेकर धमकी दी कि अगर कोई भी रूसी जहाज रशिया के मिसाइल्स लेकर क्यूबा आया तो हम उसको तबाह कर देंगे। अमेरिका की इस धमकी की वजह से दुनिया उस वक्त एटमी जंग के दहाने पर आ पहुंची थी, मगर सोवियत रूस ने समझदारी से काम लेते हुए क्यूबा से मिसाइल अड्डे खत्म कर दिए। यूं ये मुसीबत तो टल गई, मगर क्यूबा और अमेरिका में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। अमेरिका ने क्यूबा पर ट्रेड बैन लगाए रखे। फिदेल कास्त्रो को भी कई बार कत्ल करने की कोशिश की गई, मगर वो हर बार बच निकले। उनके हिसाब से उन्हें अमेरिका ने 638 बार जान से मारने की कोशिश की, जिनमें फटने वाली सिगार, माफिया आइसक्रीम सरप्राइज, पानी में फटने वाले बम, जहरीले डाइविंग सूट, जहरीली शराब और बहुत सी चीज़ों से कास्त्रो को मारने की कोशिश की गई, मगर वो हर बार बच निकले। अमेरिकी गवर्नमेंट ने कास्त्रो के विरोधियों को अपने देश में पनाह भी दी। इन लोगों की बड़ी तादाद आज भी अमेरिकी शहर मियामी के उस इलाके में आबाद है जिसे लिटिल हवाना कहा जाता है। फिदेल कास्त्रो क्यूबा के आर्मी जनरल के अलावा देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन के रहे। इस बात में भी कोई शक नहीं कि वो एक डिक्टेटर थे और अपने सियासी विरोधियों पर सख्तियां भी करते थे, लेकिन क्यूबा के ज्यादातर लोग उनसे खुश थे।
क्योंकि कास्त्रो ने मालदार जमींदार लोगों से उनकी जमीनें लेकर क्यूबा के गरीबों में बांट दी। कास्त्रो ने क्यूबा में बड़े पैमाने पर स्कूल और अस्पताल भी बनवाए, जिनसे आम जनता को बहुत फायदा पहुंचा। लेकिन ये बात भी सच है कि क्यूबा की इकोनॉमी ज्यादातर सोवियत रूस की मदद पर ही टिकी हुई थी। इसीलिए तो जब 1991 में सोवियत रूस के टुकड़े हुए तो क्यूबा को मिलने वाली 6 अरब डॉलर की मदद बंद हो गई। करप्शन, लो इकोनॉमी और रूस से ऑयल की बरामद बंद होने की वजह से क्यूबा के लोग कारों की जगह घोड़ा गाड़ियों का सफर करने पर मजबूर हो गए। अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा में मुसाफिरों के लिए टूरिज्म के रास्ते खोल दिए। उस तरफ सोवियत रूस के टूटने के बाद क्यूबा पर लगी अमेरिकी पाबंदियों में भी कुछ नरमी आ गई। अक्टूबर 2000 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक बिल पास करके अमेरिकी कंपनीज को क्यूबा से खुराक और दूसरी चीजों की ट्रेड या व्यापार की परवानगी दे दी। यूं क्यूबा की गिरती हुई इकोनॉमी फिर से संभलने लगी, मगर इसी दौरान कास्त्रो की तबीयत खराब हो गई। ये जून 2001 की बात है। फिदेल कास्त्रो हवाना के अंदर हजारों लोगों के सामने भाषण दे रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश होते होते बच गए। इस वाकये के 3 बरस बाद कास्त्रो एक भाषण के बाद स्टेज से उतरते हुए जा रहे थे कि अचानक धड़ाम से गिर पड़े और उनका एक बाजू और घुटना टूट गया। अपनी खराब सेहत की वजह से फिदेल कास्त्रो ने 2006 में प्रधानमंत्री के सारे अधिकार अपने भाई राहुल कास्त्रो को सौंप दिए। 2 साल बाद 2008 में उन्होंने क्यूबा के प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद फिदेल कास्त्रो मीडिया के सामने ज्यादा नहीं आते थे। आखिरी बार उन्होंने अप्रैल 2016 में हवाना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के प्रोग्राम में हाजिरी दी थी। इसके 7 महीनों बाद 25 नवंबर 2016 को 90 साल के फिदेल कास्त्रो की मौत हो गई। उनकी मौत का ऐलान उनके भाई राहुल कास्त्रो ने टीवी पर किया। बाद में फिदेल कास्त्रो की लाश को जलाया गया। राख को देश के झंडे में लपेटकर ताबूत में रखकर क्यूबा के पूर्वी शहर सांतियागो में ले जाया गया, जहां इसे सांता एफिजिनिया कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ये बड़ी सी ग्रेनाइट की चट्टान जो आप देख रहे हैं, फिदेल कास्त्रो की लाश इसी चट्टान के नीचे दफन है। कास्त्रो की मौत पर क्यूबा में 9 दिनों तक मातम मनाया गया। पूरा देश उनकी मौत पर उदास था, मगर क्यूबा के बाहर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कास्त्रो की मौत पर खुशियां मना रहे थे। जी हाँ, कास्त्रो की मौत की खबर सुनकर मियामी के लिटिल हवाना में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। ये लोग खुशी से उछल कूद करके गाने गाते, अमेरिकी और क्यूबन झंडे लहराते रहे। खैर, तो ये थी फिदेल कास्त्रो की बायोग्राफी। कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में।